न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। मोदी कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। आईटीबीपी के साथ नई बटालियन को मिली मंजूरी। सीमाई गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। गुलमर्ग के किंडोरी में स्कीइंग करते नजर आए राहुल गांधी। किंडोरी से गंडोला बेस कैंप तक लगाए कई चक्कर। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने राहुल के साथ ली सेल्फी। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर उठाए सवाल। कहा, जम्मू कश्मीर की जमीन यहां के अवाम की है। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी अवाम पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। बीबीसी दफ्तर पर हो रहे सर्वे की भी आलोचना की। श्रीनगर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से कोई भी गरीब या दिहाड़ी मजदूर नहीं होगा प्रभावित। सोशल मीडिया पर अतिक्रमण की फर्जी सूची फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। डीसी श्रीनगर एजाज असद का बयान। कोयंबटूर कार सिलेंडर धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर छापेमारी। शिमला के राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक जारी। बैठक में सीएम सुक्खू भी मौजूद। स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की हो रही समीक्षा। सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। संस्थानों के डी नोटिफिकेशन के विरोध में प्रदेश भर में शुरू हुआ बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान। और हमीरपुर में अब नए सिरे से हाउस टैक्स लगाने की तैयारी। प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। नगर पालिका ने दो जोन में बांटा हमीरपुर। जियो ईएस सैटेलाइट सर्वे के जरिए टैक्स व्यवस्था को बनाया जाएगा पारदर्शी।